बेटा आज के टॉपिक जो है 1.6 कूलम्स लॉ, ठीक है बेटा। कूलम्स लॉ जो सिमेट्रिकल टू दैट इज वी कैन से ग्रेविटेशंस लॉ, वहां पे जैसे एफ था यहाँ पे भी एफ है, वहां पे एक जी था यहाँ पे उस जगह पे के है, तो वहां पे एम वन एम टू था, यहाँ पे क्यू वन क्यू टू है, यहाँ पे एक आर स्क्वायर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे देखो क्यू वन क्यू टू के ऊपर एक मॉडुलस लगा है, बिकॉज जब नाइन्थ क्लास में कि इलेवेंथ क्लास में हम लोग पढ़ा मास, मास कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन चार्ज जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था ऑलवेज अट्रैक्टिव था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। पहली बात ये। दूसरी बात है जो यहाँ पे जो चार्जेस देता है वेरी स्मॉल चार्ज, जिसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात है जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तब ये लॉ एप्लीकेबल होती है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ बोलते हैं, तो चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, ओके। और दूसरा तुम लोग ये भी जानते हो जो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन ये सब तो पॉइंट चार्ज ही होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर देखो प्रोटोन साथ साथ रहते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर रेंज में कूलम्स लॉ काम नहीं करते, ठीक है बेटा। लेकिन जब तुम लोग स्टेटमेंट लिखोगे तो नॉर्मल चीज लिखोगे, जैसे यहाँ पे दिया देखोगे इट स्टेट्स दैट फोर्स इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है बेटा, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा इसका स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। अभी एक बात होती है जैसे हम लोग उसमें बोलते थे जो जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होते हैं, उसके वैल्यूज वगैरह हम लोग बता देते। तो अभी कूलम्स लॉ में जैसे ये वाला जो के है तो के का जो वैल्यूज होते हैं 1/4πε0, ठीक है बेटा, कितना होते हैं 1/4πε0। इप्सिलॉन नॉट मतलब ई टाइप का लिख के उसके नीचे जीरो लिख देता है बेटा, है ना, इप्सिलॉन नॉट। और जो तुम्हारा एक जो उसकी वैल्यूज होता है 9×10⁻¹ 1/4πε0 का, आई वन लो 1/4πε0 के वैल्यू 9×10⁻¹ है, आई वन लो कि तुमने उसको फिर सॉल्व करके इप्सिलॉन नॉट के वैल्यूज फाइंड करोगे तब उसका वैल्यूज आएगा 8.854×10⁻², ओके बेटा, अंडरस्टूड, तो ये चीज आ जाएंगे। तो ये हो गया जो इप्सिलॉन नॉट जो होते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन ये जो वर्ड होता है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है ये पहले मालूम होना चाहिए। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एनएसीएल को तुम एयर में रख दो तो एनएसीएल क्या ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा, एनएसीएल ही रहेगा। एनएसीएल को पानी में डाल दो तो जाके ब्रेक हो जाएंगे, दैट मीन्स दो चार्ज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एनए और सीएल के बीच में वो एयर में क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पानी में जाते उसका क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं जो परमिटिविटी, ओके बेटा, ठीक है, वो फोर्स को कितनी परमिट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये जो इप्सिलॉन नॉट होता है ओनली मतलब वैक्यूम की बात होता है, फ्री स्पेस में होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में तुम लोग फिर पढ़ोगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, वो तो बाद में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जो परमिटिविटी हो इन फ्री स्पेस मतलब मीडियम जो है फोर्स तो उतनी है, लेकिन जैसे देखो एनए प्लस सीएल माइनस के बीच में एक मीडियम मान लो कि तुमने एयर लिया वहां पे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे पानी में डाल दिया तो थोड़ा कम हो गया, है ना बेटा। तो इस टाइप का जो मतलब फोर्स को इंटरैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है मीडियम को उसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी, और ये वाला किसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अंडरस्टूड। तो इसके वैल्यूज बेटा जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। और उसके बाद 1.6 में जो भी चीजें थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अभी क्या था जब हम लोग जो फोर्स पढ़े थे जो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के टाइम में वहां पे भी क्या जो ग्रेविटेशन फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है सब चीज थे। तो अभी क्या होता है ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों ही होती है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अभी एक बात होती है कि ये तो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग को पता करना पड़ेगा,
तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आई बोलो दो चार्ज है, एक क्यू वन है क्यू टू है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होती है, ठीक है बेटा। जैसे एक बार देखो जो पेज नंबर 12 में, 12 पेज तुम लोग देख लिया बेटा, वो पीडीएफ से धीरे धीरे देखो, आराम से देखो, आंख के ऊपर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। तो अभी ये वाला फिगर में देखो Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, जीरो जो है वो ओरिजिन है, R1 R2 ये तो जानते हो डार्क वाला वेक्टर होते हैं, और जो लाइट वाला, जो लाइट का ये जैसा R जो डार्क में लिखेंगे तो वेक्टर होगा, और R को लाइट में लिख देंगे, लाइट कलर में लिख देंगे तो क्या होगा, वो स्केलर होगा, ठीक है नहीं। तो अभी देखो जो ओरिजिन है उसमें R1 R2 दोनों क्या पोजिशन वेक्टर है, R1 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज एंड R2 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज, दो हो गया। अभी जो मतलब F12 लिखा है, F12 लिखा ना बेटा, तो उसका मतलब होता है कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और F21 मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वन चार्ज, ठीक है बेटा। इस तरीके से अभी देखो जहां पे चार्ज रखा है, दूसरे जो चार्ज रखा है उसके बीच में तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो कितना होगा, R2 माइनस R1, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अभी इसकी बात है नेक्स्ट, जो देखो फिगर में एक चीज लिखा है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मीन्स आइदर दोनों ही पॉजिटिव होगा नहीं तो दोनों ही नेगेटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव होता है। तो तुम लोग ध्यान रखोगे दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, Q1 into Q2 greater than zero, ठीक है बेटा। और जब मान लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब क्या लिखते हैं, Q1 Q2 lesser than zero, ठीक है। अभी एक बात करते हैं, जैसे देखोगे तुम्हारा जो B वाला फिगर है ना उसके टॉप वाले फिगर में जो दिया देखो Q1 Q2 greater than zero, उसके जस्ट ऊपर में देखा देगा है R21 वेक्टर का कैप, दैट मींस R21 वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहां से कहां जा रहा है, वन से टू के तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। आर टू वन दैट इज आर टू वन मतलब क्या है, टू चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वन के वजह से, ठीक है बेटा। तो इस तरीका से एक यूनिट वेक्टर दे दिए। अभी देखो जब क्यू वन क्यू टू लेसर देन जीरो है तब देखो दोनों फोर्स इनवर्ड है बिकॉज एट्रैक्टिव फोर्स है, और Q1 Q2 greater than zero है तब outward है because दोनों में repulsive force, ठीक है बेटा। तो that means ये सब चीज को जो हम लोग figure जो बनाया वो figure हमारा correct हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया Q1 Q2 ही नहीं लिखा, Q1 Q2 का nature के बारे में भी लिख दिया कि Q1 Q2 का nature दोनों का same होगा तो force outward हो रहा है repulsive हो रहा है, और Q1 Q2 एक दूसरे का opposite nature का है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है और फोर्स इनवर्ड हो रहा है, बात क्लियर। अच्छा सबसे बड़ी बात है बेटा ऑलवेज बुक को रीड करना, और ज्यादा बेटा मोबाइल से करोगे तो उसमें से क्या होता है ना, कोई कोई केस में आंख में दर्द हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए अभी फिर गांव में तो फिर ये सब है ही नहीं, वहां पे तो नेट भी नहीं चल रहा है बहुत सारे का, ठीक है। तो आशु तुम्हारे गाँव में क्या नेटवर्क का सही चल रहा है, पूरा एकदम अच्छा था, अच्छा। अच्छा पहले जो YouTube में जो इंटेंसिटी होता था देखने का जो क्लैरिटी था आजकल है क्या, पहले का जैसी है कम हो गया अभी, तो मैं स्टडी मोड पे डाल के देखती हूँ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। वो तो दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा मतलब बीच में ब्रेक करने के लिए चीज पूछा। अच्छा उसके बाद देखो लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ता है, जो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के लिए तीन डायग्राम बनाना पड़ता है, तीन डायग्राम जो है कैसे बनाओगे उसका क्या मीनिंग है वो मैंने बता दिया। अभी लैंग्वेज में क्या लिखना है देखो, फोर्स इज ए वेक्टर, इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड R1 R2 रेस्पेक्टिवली है ना, वो सबको पोजीशन वेक्टर है, ठीक है बेटा। उसके बाद
फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू किससे रिप्रेजेंट होगा, एफ वन टू से, एंड फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन किससे रिप्रेजेंट होगा, एफ टू वन से। ये भी क्लियर हुआ? अभी देखो टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू हैव बीन नंबर्ड वन एंड टू कॉन्वीनियंस एंड द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम वन टू टू कैसे लिखेंगे, आर टू वन। ठीक है बेटा, आर टू वन मीन्स व्हाट, आर टू माइनस आर वन। वो तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मान लो इसको नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। आर आर वन टू क्या होगा, आर टू वन के जस्ट नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, उसके देखता हूँ, सीधे सीधे लिख देना, एफ वन टू इक्वल्स टू वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर टू वन का स्क्वायर आर टू वन कैप। तो आर टू वन कैप क्या बताएंगे, डायरेक्शन को बताएंगे। क्लियर बेटा? तो आर टू वन मतलब देखो दिया आर टू वन वेक्टर अपॉन आर टू वन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो ये जो तुमने यहाँ पे जो डायरेक्शन दे दिया उससे क्या पता चला कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और डायग्राम भी तुम्हारा बना हुआ है। ठीक है बेटा, सिमिलरली जो मतलब कोई कोई बुक में उसमें देखोगे मिस्टेक है और कोई कोई बुक में सही भी है। तो आर वन टू इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर वन टू का स्क्वायर आर वन टू के ऊपर कैप। ठीक है बेटा, तो डायग्राम बनाना है, जो जो चीज हमने बताया वो चीज करना है, और एफ टू वन नहीं तो एफ टू वन नहीं तो एफ वन टू का एक एक्सप्रेशन लिख देना है, दैट विल बी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? अभी तुम लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा प्रिया बताओ, व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके गुड, तो ये वाला चीज होगी। तो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है क्या होता है, ओके आशु बताइए के का वैल्यूज फ्री स्पेस में कितना होता है? 9 into 10 raised to the power 9। और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? The 1 upon 4 pi epsilon naught। Epsilon naught क्या होता है? The permittivity of vacuum, permittivity of free space। Free space, okay। अरे तुमने वैक्यूम बोला था, वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? V-A-C-W-M। Yes, उसमें डबल यू होती है। अच्छा नौसिन बताइए, जो कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं हम लोग? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। है कि बेटा? अच्छा प्रिया बताइए, दो चार्ज मतलब सिमिलर नेचर का है, दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर फॉर्म में नहीं, जैसे दो चार, जैसे हम जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, क्यू वन क्यू टू दोनों पॉजिटिव हो नहीं तो क्यू वन क्यू टू दोनों नेगेटिव हो, तो उसको एक कैसे एक्सप्रेस कर दूं कि हमको पता चल जाए? सर एरोज दिखा देंगे कि नॉट एरो, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव को दिखाने का तरीका ये होता है क्यू वन इंटू क्यू टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा। अच्छा आशु बताइए, दोनों चार्ज मतलब अपोजिट नेचर का है तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? Q1, Q2 is smaller than 0। ओके नौसिन बताइए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ? और सर जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, इफ लेस में होगा तभी वैलिड होगा, और एक लेस में है एक मोशन में तब भी वैलिड होगा, और थर्ड से वो न्यूक्लियर रीजन में वैलिड नहीं होगा। बस सीधे सीधे बोल देंगे कि रेस्ट में वैलिड होती है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होती है, और न्यूक्लियर डिस्टेंस में वैलिड नहीं होती। ठीक है ना? अच्छा तो न्यूक्लियर रीजन में वैलिड नहीं होता या फिर न्यूक्लियर रेंज तक वैलिड होता है? न्यूक्लियर रेंज, एक्चुअली न्यूक्लियर रेंज। ठीक है बेटा, मतलब न्यूक्लियर रेंज से कम होगा तभी वैलिड होगा या फिर उससे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा तो जो न्यूक्लियर रेंज है उससे ज्यादा होगा तभी वैलिड होगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियस में तो वैलिड नहीं होती है ना। हाँ ठीक है।
अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग का होमवर्क का, ठीक है, उसमें लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उसका लोग डिफाइन के, के को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे सर? व्हेन सर एक न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन टू चार्जेस ऑफ यूनिट चार्ज प्लेस एंड प्लेस प्लेस फ्रॉम वन यूनिट अपार्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वन मीटर स्क्वायर, वन मीटर स्क्वायर और वन मीटर अपार्ट दोनों, ठीक है ना? डिस्टेंस तो स्क्वायर में नहीं होगा तो बोलोगे वन मीटर अपार्ट वन यूनिट अपार्ट, ओके गुड। अच्छा उसके बाद लिखो राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट, के का डायमेंशन लिखना है या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है? ओके ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? ठीक है जो भी है उस सब तुम लोग करके हमको भेज दोगे, ठीक है बेटा? कुछ होमवर्क होना चाहिए, कुछ डिस्कस होना चाहिए, है ना बेटा? क्योंकि लिख के भेजोगे तो मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है बेटा? तो ऐसा यूनिट लिखना है के का और एप्सिलॉन नॉट का, है ना? जैसे कूलम्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या है और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या है, ये चीज लिख दोगे, ठीक है बेटा? अंडरस्टूड। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1.4, 1. ये सब चीज है, ठीक है?